मजदूर थे उन लोग के हाथ काट दिए थे होते, लेकिन उनमें जो मेन जो आर्किटेक्चर था उसका नाम आपको नहीं पता होगा, वो उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये वो आदमी था जिसने तो आज हम निकल चुके हैं अपने नई डेस्टिनेशन के लिए जो है ताजमहल। ताजमहल आगरा के लिए हम निकले और ये जो पूरी बस है मेरे पीछे वो अभी भर चुकी है। कुछ ही देर में मतलब एक 10 मिनट में हम अभी निकलेंगे यहाँ से वृंदावन से, और लगभग 70 किलोमीटर का सफर है आज। और एज आई सेड गाइज, फाइनली हम आगरा आ चुके हैं और आगरा में अभी हम बस यहाँ पे पार्क कर रहे हैं। उसके बाद आज हम घूमेंगे लाल महल, जो ताजमहल है वो, और बहुत सी चीज़ें। तो ट्राई करेंगे अगर वक्त मिलता है तो यहाँ का जो फूड आइटम्स है जो कि काफ़ी फेमस है तो वो भी ट्राई करेंगे। लेकिन एक बात है इसमें कि ज़्यादातर आइटम जो है ना मुगलाई है, मतलब नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा भक्ति वाला माहौल में आए। सो उस फूड को अवॉइड करते हुए जो कुछ वेजिटेरियन में मिलेगा वो भी हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे कि एक्सपेक्ट किया था 78 किलोमीटर्स आने के लिए हमें 2 घंटे लग चुके। मुझे लगा था कुछ ज़्यादा ही लगेंगे क्योंकि हमारा बस ड्राइवर जो है कल कुछ ज़्यादा ही स्लो चला रहा था, तो आज उसने अच्छे से रास्ता कवर किया है। और रास्ते में पूरा नींद आने के कारण अभी कुछ रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, बट यहाँ पे अपन ट्राई करेंगे पूरा हो जाए। सो फाइनली द वेट इज ओवर और हम आ चुके हैं ताजमहल देखने। ताजमहल तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक फुटपाथ के जैसा एक छोटा सा रास्ता बनाया उन्होंने, दोनों तरफ झाड़ियाँ मिलेगी आपको। और ताजमहल के बारे में जब मैं, मतलब इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस वगैरह देखे, बहुत सी हिस्ट्री पढ़ी है, तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक बात लगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। जब मराठों ने दिल्ली जीती थी उस टाइम पे मराठे यहाँ इस ताजमहल को, जो आप लोग प्यार का प्रतीक बोलते हो, जो 7th वंडर बोलते हो, इसको हम घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब इस ताजमहल में हम मराठे घोड़े बांधते थे घोड़े। सो ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और क्योंकि मतलब ऐसे ही घोड़े नहीं बांधते थे, घोड़े बांधने की जगह बहुत थी, लेकिन जब टाइम एक टाइम था इस्माइल बेग नाम का एक जो दुश्मन था वो दिल्ली पे हमला कर रहा था, और उसके पास फौज इतनी बड़ी थी तो उसकी फौज में जो तोहफे रहती थी उसके हमलों से घोड़ों को बचाने के लिए यहाँ पे वो ताजमहल में घोड़े बांधा करते थे। जब से यहाँ पे आया ना तब से नए नए स्कैम्स को पता चल रहा है हमें। अभी अभी हमने एक जो शू कवर्स होते हैं वो लिए थे, 10 रुपए के मिलते बाहर आपको, वो आपको बोलेंगे अंदर 30 के 40 के, लेकिन यहाँ पे आपको 5 रुपए के मिल जाते हैं, तो आप जब अंदर आओगे तब ही लेना, पार्किंग में मत लेना। ताजमहल की टिकट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ताजमहल आ रहे हो तो ट्राई करिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्हीं के द्वारा एक वेबसाइट चलाई जाती है जिस पे आपको ताजमहल की टिकट मिल जाएगा, तो ये ऑनलाइन टिकट आप ले लीजिए। उसमें आपको QR कोड मिलता है, जैसे आप स्कैन करोगे तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो वैसे तो जो टिकट है वो 45 रुपीज़ का है पर पर्सन और अडल्ट, और जो 16 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनको टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। और आप जैसे कि देख रहे हो ये पूरा इलाका जो है ना, ये मेरे पीछे जो है वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये ताजमहल के एंट्री गेट, और यहाँ पे आपको गाइड भी अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आप 1 से 5 जन हो तो 1800 रुपये है हाफ डे का और 2200 रुपये फुल डे का, तो इसके हिसाब से आपको अलग अलग, जितने आप पर्सन ज़्यादा होगे तो उतने ज़्यादा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आके गाइड भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी चेकिंग वगैरह आपकी की जाती है ताजमहल में एंट्री मिलने से पहले। यहाँ से हो जाती है हमारी ताजमहल की
जो ताजमहल का आउटर लेयर है उसके अंदर ऑफिशियल एंट्री। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो एग्जिट के लिए लाइन लगी पड़ी है, और इससे मुझे ये पता चलता है कि आपको जो टिकट है वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि अगर आपने टिकट खो दिया तो ये आपको एक ट्रेसपासर की तरह ही आपको मतलब ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है क्योंकि एक सेंसिटिव पॉइंट है अगेन। सो आज देखते हैं ताजमहल क्या है। ताजमहल के बारे में बचपन से बहुत सुना है, बचपन से बहुत उसके बारे में वीडियोस भी देखी है कि ताजमहल इतना खूबसूरत है ये सब वो सब। आज उसकी खूबसूरती साथ में देखेंगे, और उससे पहले ये जो मेरे पीछे आप ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हो ना, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब जैसे कि वैसा है। ये जो दिख रहा है ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक्चुअल में सिर्फ जो मेन गेट है वो है ताजमहल का, और ये भी इतनी खूबसूरती से बनाया गया है ना, एकदम ऐसा मतलब जो संगमरमर जो पत्थर है उसका भी इसमें लाल पत्थर के साथ इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक बहुत ही बढ़िया वाइट और रेड कलर का ये स्ट्रक्चर बनाया है इन लोग ने। ये जो मेन गेट है ना, इसकी एक खासियत है कि आप इसमें ये जो यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा हो ना, ये ताजमहल ही दिखता है, लेकिन इस गेट से अगर आप देखोगे तो ये बहुत नज़दीक दिखता है ताजमहल। एक्चुअल में ये बहुत स्पेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके बीच में, लेकिन आप इस गेट से बाहर से देखते हो ना तो ये बहुत नज़दीक दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये गेट क्रॉस करते ही ताजमहल है, लेकिन एक्चुअल में जब आप अंदर जाते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में दिखता है। सब ने ये सुना ही होगा कि ताजमहल जब बना था तब शाहजहां ने सब जो मजदूर थे उन लोग के हाथ काट दिए थे होते, लेकिन उनमें जो मेन जो आर्किटेक्चर था उसका नाम आपको नहीं पता होगा, वो उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये वो आदमी था जिसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था पूरी तरीके से, और जब पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ मतलब स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी जो सैंक्शन हुआ था वो हुआ था 1631 में, तब फुल फॉर्म में इसको बनने के लिए 1653 हो गया था। इस ताजमहल को बनाने में उस टाइम पे $5 मिलियन लगे थे, और आज के हिसाब से वो बनते हैं $35 बिलियन। तो ये जो है ना ये सबसे महंगा स्ट्रक्चर होगा ये अर्थ का पूरे अभी तक का, मुझे मेरे हिसाब से। ताजमहल की खास बात ये है कि आप जिस साइड से ताजमहल को देखोगे ना उस साइड से वो सेम ही दिखता है, मतलब अभी मैं ताजमहल के राइट साइड पे हूँ और सेम गेट जैसा कि फ्रंट है जो एंट्री गेट है सेम वैसा ही गेट यहाँ पर है, सेम उसी तरीके से पीछे ताजमहल दिखता है। मतलब ताजमहल की खास बात ये है कि इसे एक अजूबा क्यों कहा गया है, कि इसी वजह से एक तो ये एक सिर्फ एक जो संगमरमर पत्थर है उससे बना है, और साथ ही में उसके साथ इसका जो कुछ कंस्ट्रक्शन था वो था आर्किटेक्चर है ये सब बहुत एक नायाब चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी हमारे यहाँ से गलती हो चुकी थी कि हमने जो है ना ये यहाँ पे एक जनरल टिकट निकाला था, हमें उस टाइम पता नहीं था क्योंकि दोस्तों ने सारे मतलब हमारा जो पूरा ग्रुप है उसका हमने टिकट निकाला था, तो एक साथ में ही सबके टिकट आए थे, तो जनरल टिकट जो है वो 45 रुपीज़ का है, लेकिन अगर आपको अंदर एंट्री चाहिए ताजमहल के अंदर तो आपको 250 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप जनरल टिकट भी लेके आते हो अंदर एंट्री मार के तो भी आप एक 200 रुपये का एक एडिशनल टिकट लेके भी आप एंट्री कर सकते हो। उस टाइम पे लोग जो थे ये आर्किटेक्चर लोग वो छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते थे। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना मेरे पैर के पास, तो ये डिज़ाइन इसलिए कि जब बारिश का पानी यहाँ पे आए तो वो पानी उसमें चला जाता था, और वो नीचे से जो छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई थी तो उससे वो बाहर चला जाता था, और ये डिज़ाइंस आपको हर जगह पे यहाँ पे मिलेगी। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ताजमहल के साथ ही बना था, लेकिन कुछ आगे पीछे हो गया था, मतलब ये पूरा जो कॉरिडोर है ये आखा पूरा कॉरिडोर बनने में 1653 तक का वेट करना पड़ा था।
ताजमहल के कॉरिडोर से यहाँ से आपको सामने इस तरफ रेड फोर्ट भी दिख जाएगा। रेड फोर्ट ताजमहल ऐसी जगह पे सिचुएटेड था कि शाहजहाँ की जो रूम थी वहाँ पे, जो उसका बेडरूम था, तो उससे ताजमहल आराम से दिख जाए उसको, तो इस हिसाब से उन्होंने बनाया था। ताजमहल में जब आप आते हो ना, ताजमहल नहीं, कोई भी फोर्ट ले लो, कोई भी मुगलों का किला वगैरह ले लो, तो उसमें आपको तहखाने ज़रूर मिलते हैं। तो यही ये यहाँ पे स्टेप्स है बेसमेंट में जाने के लिए। और ताजमहल वैसे भी कहा जाता है कि ताजमहल राजों से भरा पड़ा है, मतलब यहाँ पे बहुत से ऐसे राज हैं जो दफनाए जा चुके हैं। दो फॉरेनर्स है, हमारे ही ग्रुप की कुछ लेडीज है, वो उनके साथ फोटो खिंचा रही है और सडनली वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि मतलब उनको एक सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, यहाँ हम इतने फेमस कैसे हो गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, हम लोग जो कुछ गेस्ट आते तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, एक प्यार जताने का तरीका है। ताजमहल एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े आगरे का किला देखने के लिए। थोड़ी देर में हम वहां पर पहुंचेंगे। पर आगरे का ये जो ताजमहल देखा अभी, ताजमहल देखने में बहुत मजा आया, मतलब उसकी खूबसूरती देखी हमने बाहर से देखी, लेकिन बहुत अच्छा लगा वो।